जब राम राज्य की बात होती है तो बात होती है एक आइडियल स्टेट की, जहाँ जस्टिस प्रिवेल करता हो, जहाँ इकोनॉमिकली सब लोग साउंड हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ अच्छे लोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट हो। तो क्या कोई किताब ऐसे रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने वाली चीज को लेके आई थी? तो तैयार है आप यूटोपिया के बारे में जानने के लिए? काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक रहेगी ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चंस पक्का बहुत सारे आए हैं। और एक लिटरेचर के विद्यार्थी होने के नाते क्वेश्चंस जब भी आए या ना आए, बट यूटोपिया इतना इम्पॉर्टेंट जो है बुक है जिसके बारे में जानना हर लिटरेचर के विद्यार्थी का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये लिखी गई थी, रेनेसा अपने पूरे फुल ब्लूम में आ चुका था, और एलिजाबेथन इंग्लैंड की बिल्कुल शुरुआत होने से कुछ साल दूर हम लोग थे, और तब तक रेनेसा इटली से, फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड में पूरी तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका था। ये रेनेसा जो इटली के फ्लोरेंस से शुरू हुआ था, रिवाइवल और रिबर्थ की बातें करता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो चलिए यूटोपिया के बारे में जानते हैं कि यूटोपिया कैसी किताब थी, क्यों आई, इसके क्या मायने थे, और कितने इंपॉर्टेंट पिन पॉइंटेड क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बनती है कि यूटोपिया, जो कि एक वर्ड है, ग्रीस से आया है, जो ग्रीक लैंग्वेज से, और इस वर्ड का जो मतलब है वो मतलब है नोवेयर। अब नोवेयर किस सेंस में इसको रखा होगा किताब का, ये जो है जानने वाली बात है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये किस सन में आई। तो 1516 में यूटोपिया आई, और जब यूटोपिया आई तो ये जिस लैंग्वेज में आई थी वो लैटिन लैंग्वेज थी, और मूर जो एक बहुत बड़े ह्यूमैनिस्ट थे, जो कहते थे कि ह्यूमैनिटी इज़ द सुपीरियर मोस्ट क्वालिटी ऑफ एवरी वन, और ये ह्यूमैनिटी को मानते थे उनकी डेफिनेशन में कि गॉड के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जब हम एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली ह्यूमैनिज्म। तो बहुत बड़े ह्यूमैनिस्ट थे थॉमस मूर, और जब ये यूटोपिया लिखते हैं लैटिन में, तो मैंने आपको बताया कि यूटोपिया का नाम नोवेयर था, तो एक ऐसे सार्थक होता है अपने आप में। तो यूटोपिया में बात करते हैं मूर साहब एक ऐसे रिपब्लिक की, एक ऐसे स्टेट की, जिसे हमें याद आता है प्लेटो का रिपब्लिक भी एक नाम है, और वैसे अगर ये बताएं तो यूटोपियन जॉनर में प्लेटो के रिपब्लिक को भी पहला जो है आप कह सकते हैं, जो यूटोपिया के कंसेप्ट को आपके सामने थोड़ा बहुत पेश करता है। तो उसी तरीके से ये भी एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो इम्पॉसिबल टू अचीव है, इतना परफेक्ट और इतनी आइडियल कंडीशन है, इतनी हर चीज़ परफेक्ट है कि वो इम्पॉसिबल टू अचीव है, यानी कि ऐसा स्टेट हो नहीं सकता। इसीलिए इसको नोवेयर सिग्निफाई करता है कि अ स्टेट विच इज फाउंड नोवेयर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोवेयर। तो नोवेयर इस तरीके से सार्थक करता है, इसीलिए शायद उन्होंने ये नाम बहुत बढ़िया इसका यूटोपिया सोचा है। वैसे इससे इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में बाद में एक फ्रेज भी बना है लैंग्वेज एक्सपर्ट ने, जिसे आप दो तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ यूटोपियन स्कीम, द स्कीम विच इज विच सीम्स टू बी सो परफेक्ट दैट इट कैन नॉट बी एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, और अ यूटोपियन थॉट, आप कहें कि मैं एवरेस्ट एक महीने में चढ़ जाऊंगा बिना किसी ट्रेनिंग के, इट सीम्स ए यूटोपियन थॉट विच डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, नो वेयर इट इज फाउंड, तो इम्परफेक्ट चीज। खैर, तो ओरिजिनली जब लैटिन में 1516 में ये लिखा गया, तो बात आई कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा 1551 में किया है रॉल्फ रॉबिन्सन ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किताब इतनी हिट थी कि इस किताब में इटालियन जो है लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही धड़ल्ले से इसमें ट्रांसलेशन हुए, और ये किताब बहुत बिकी है। अब बात करते हैं कि इस यूटोपिया, जो ये रिपब्लिक है, इसको कहाँ स्थित माना गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो रिपब्लिक है, इसकी जो फिक्शनल सेटिंग है वो कहाँ की है, वो बताते हैं आप। एक फिक्शनल आइलैंड को यूटोपिया कहा गया है, जो लगभग कहीं साउथ अटलांटिक ओशियन में दिखाया गया, तो सेटिंग है साउथ अटलांटिक ओशियन में स्थित एक आइलैंड की।
और जब बात करें हम इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तो इसमें खुद राइटर हिमसेल्फ इज ए करेक्टर, खुद यूटोपिया के मूर साहब इसमें करेक्टर हैं। दूसरा इसमें जो आता है पियर गाइल्स नाम का एक करेक्टर है जो राइटर का दोस्त बना हुआ है। और तीसरा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया नाम जो इसमें आता है वह है राफेल हितलोडे, वो एक पोर्तुगीज ट्रैवलर है। तो इस बात करते हैं इस किताब के कितने हिस्से थे। ये बुक दो पार्ट्स में बटी हुई है। पहले पार्ट में क्या होता है, बुक का जो पहला पार्ट है पार्ट वन, उसमें ये जो मूर साहब हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एक अपनी पूरी वोएज की, समुद्री यात्रा की, जो अमेरिगो वेस्प्यूकी नाम के जो है ट्रैवलर के साथ है, और ये पूरा उस ट्रैवल को दिखाता है। बात आती है जब बुक के पार्ट टू की, तो पार्ट टू में ही हमें जो कंट्री ऑफ यूटोपिया है वो पूरी तरह देखने को मिलता है और उसके अंदर की चीज़ें समझने को मिलती है। तो पार्ट टू में जो डिस्क्रिप्शन है वो द यूटोपिया का डिस्क्रिप्शन है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में आते हैं कि यूटोपिया किस चीज़ को ग्लोरीफाई करता हो प्रतीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूटोपिया में नंबर एक प्रजातांत्रिक सोसाइटी को दिखाया गया, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसको ग्लोरीफाई करता है कि ये होना चाहिए। दूसरा कि वेल्थ जो है, धन है, जो जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर कंट्रोल जो है पब्लिक का होना चाहिए, जो फिर से एक आइडियल थॉट लगता है, इसको भी ग्लोरीफाई करता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सारे लोग एक समान हो, इसको भी ग्लोरीफाई करता है इस थॉट को। और अपने आप में आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें सुनने में ही इतनी बढ़िया लगती हैं, तो उस ज़माने में जिस तरीके से सोसाइटी त्रस्त थी चीज़ों से, तो उनको इस सपने जैसा प्रतीत हुआ। और हाथों हाथ ये किताब खूब बिकी है, क्योंकि हर किसी को इसको पढ़ने में एक अति आनंद की जो है, जो आनंद पराकाष्ठा तक पहुँचता है, क्योंकि फैंटेसी एक्चुअली ह्यूमन माइंड को इस तरीके से एक्सिलरेट करती है, आपको पता है कि वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट होता है। तो ये भी ग्लोरीफाई करती है इस पीस को ग्लोरीफाई करती है, समाज में हर जगह शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और इस दुनिया से लोग प्यार करें, और ह्यूमैनिटी से प्यार करें, ब्यूटी से प्यार करें, नेचर से प्यार करें, और कॉमन आदमी से प्यार करें। तो इतनी चीज़ें जो ग्लोरीफाई करेगा वह अपने आप में ही यूटोपियन होगा। तो ये यूटोपिया जो है इतनी चीज़ों को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन बिना इस बात को डिस्कस किए हुए मैं नहीं जाऊंगा जब तक हम बात ना करें कि क्या ये किसी चीज़ को कंडेम भी करती है, किसी चीज़ की काट करती है, क्या यूटोपिया किसी चीज़ का विरोध करती है। यस, अरिस्टोक्रेसी का विरोध करती है। जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शनल है। अगर आप कॉमन आदमी की बात करेंगे तो अरिस्टोक्रेसी का विरोध करना पड़ेगा, इक्वालिटी की बात करेंगे तो जितने सिस्टम इक्वालिटी करप्ट करते दिखाई देते हैं वो सब कंडेम है। अरिस्टोक्रेसी कंडेम है, एलाइटिसिज्म कंडेम है, ठीक है, और एसेटिसिज्म, स्टोइसिज्म को भी कंडेम किया है, और जो है फैनेटिसिज्म जो है उन्माद, पागलपन, और जो धार्मिक जो रूढ़िवादिता है फैनेटिसिज्म बाइगॉटरी को कंडेम किया है, और फॉल्स शिवेलरी को भी इन्होंने कंडेम किया। इतने पॉइंट्स हैं जो इन्होंने कंडेम किए इसमें। तो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त किताब है यूटोपिया, और यूटोपिया जो थी उसका एक रिलेशन 1950 के दौरान जो आए और उसके बाद जो नॉवल आए हैं उन एक जो टर्म आया है उससे भी मिलता है, उसको डायस्टोपियन कहते हैं। तो यूटोपिया का ठीक उल्टा होता है डायस्टोपिया। यूटोपिया में जहां एक और हम फ्यूचर को आइडियल तरीके से जो है देखते हैं, और डायस्टोपिया में फ्यूचर को बहुत ही अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे वर्स्ट तरीके से देखते हैं। तो हमेशा डायस्टोपियन आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, यूटोपिया का जस्ट उल्टा डायस्टोपिया होता है। और डायस्टोपिया जो सबसे ज़्यादा फेम में आया वो जो है जॉर्ज ओरवेल के 1984 जो नाम का एक नॉवल है 1984, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था, उससे आता है। और फिर तो कई डायस्टोपियन जो है नॉवल है, आपको एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी इसी में आता है। तो ये थी यूटोपिया की बातें, और आशा करता हूँ कि कैप्सूल समरी नंबर 2 आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छे पॉइंट लेके आई होगी, और हम इससे भी अच्छे पॉइंट और इनके साथ आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे लगातार आते हुए इन वीडियो में। आप बने रहिए, और वीडियो की खबर मिलने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आपको ज़रूर इसको लाइक में ज़रूर बटन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन दबाइए, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जी, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, जिससे कि हम अपने को इम्प्रूव कर सकें, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट, एंड वी बिकम परफेक्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ यू।
एंड वी आर हेयर ओनली बिकॉज ऑफ यू, यू आर अवर फैमिली, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आई विल वेट फॉर योर डिमांड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.